नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज के एक और खास खबर में। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने नैनीताल जिले को 778 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात दी। आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलूटिया ने बयान जारी कर कहा कि मुख्यमंत्री की तरफ से बस टर्मिनल की घोषणा महज चुनावी जुमला है, जहाँ एक तरफ उत्तराखंड परिवहन निगम की ओर से पहाड़ों में 70-80% मार्गों में बस का संचालन बंद कर दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ नियमितीकरण की आस लगाए उत्तराखंड निगम के 2900 विशेष संविदा कर्मचारी, जो चालक परिचालक कार्यशाला में विगत 2006 से कार्यरत हैं, आज नियमितीकरण की घोषणा नहीं होने से ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। दीपक बलूटिया ने कहा कि जहां बस टर्मिनल बनाने की बात की जा रही है, वहीं टर्मिनल बनाने के बाद आए दिन जाम लगेगा, क्योंकि मुख्य मार्ग बहुत संकरा है जिसमें दोनों तरफ का ट्रैफिक चलता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार अपनी की गई रिंग रोड, ISBT, जू सफारी, बहुउद्देश्य भवन, पर्वतीय अंचल में छोटी मंडियों समेत अन्य घोषणाएं भूल गई हैं और नई नई चुनावी घोषणा जारी कर रही है। इसका जवाब मुख्यमंत्री धामी को जनता को देना पड़ेगा। वहीं उन्होंने कहा कि पहले ईजा बहनी के नाम पर और अब महिलाओं के सम्मान के नाम पर राजनीतिक रोटी सेकी जा रही है। यदि ये सरकार महिलाओं का सही सम्मान करना चाहती है तो पहले अंकिता के हत्यारों को बेनकाब करे। अभी के लिए इस खास खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। नमस्कार।